गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो लेक्चर्स पढ़ा या हमने जो भी वीडियोस देखे उसमें आपने क्या क्या सीखा बताओ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, और थोड़ी मोड़ी क्वेश्चंस उस पे जो कि प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन की एक प्रॉपर्टी देखी थी, तो आज हम उस साइन के प्रॉपर्टी से ही शुरू करेंगे और कॉस और टैन की प्रॉपर्टी और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नहीं अच्छे खासे क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमारा पूरा का पूरा ध्यान कंसंट्रेटेड रहेगा। तो फुल एंथुसियाज्म के साथ पढ़ो, आज की नई लेक्चर आपके पास अवेलेबल है। तो सर जी, अगर हम रिवीजन की बात करें तो बड़ा शानदार सा बात है सर। हमने कल एक प्रॉपर्टी सीखी थी, प्रॉपर्टी एक नहीं सीखी थी, प्रॉपर्टी का एक भाग सीखा था हम लोगों ने, प्रॉपर्टी का एक भाग सीखा था। और वो एक भाग प्रॉपर्टी का क्या था सर, कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन थीटा तो इसका आंसर होता है थीटा। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि सर सिर्फ थीटा आंसर हो, थीटा भी हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर थीटा के साथ साथ पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, इसी का आंसर थीटा माइनस टू पाई भी हो सकता है, इसी का आंसर थ्री पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, इसी का आंसर माइनस पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। बताया था ना मैंने बोला था थीटा कब होगा, जब मेरा थीटा माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में होगा, ठीक है। और पाई माइनस थीटा कब होगा, जब मेरा थीटा पाई बाई टू से लेके थ्री पाई बाई टू के बीच में होगा। क्लैरिटी है, एकदम सिंपल सी बातें हैं। अच्छा बताओ ये कब होगा, जब मेरा 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 होगा, ये कब होगा जब मेरा 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2 होगा, और ये कब होगा जब मेरा माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 होगा, याद है। तो ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी और मैंने साथ साथ ये भी आपको ही बताया था कि इनके प्रूफ्स होते हैं। मैंने इसका तुमको प्रूफ दिया था, बाकी का प्रूफ मैंने नहीं दिया था, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका प्रूफ है और हम वो देंगे, लेकिन वो प्रूफ अभी कहीं यूज नहीं आने वाला है। तो हम एक अलग से उसका वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उसको तुमको बढ़िया से समझा देंगे, चिंता मत करो। अभी एज अ फॉर्मूला इसको मेमोराइज कर दो, मैक्सिमम यहां तक आपको जरूरत आने वाला है और उसके बाद उसके पहले नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे की बात को, ये तो कल का बात था, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, आगे की क्या कहानी है सर जी, आगे का भी बड़ा मजेदार कहानी है। आज हम लोग कॉस और टैन दो ठो नया सीखने वाले हैं, एक कॉस सीखने वाले हैं और एक टैन। तो एकदम ध्यान से देखिए कि कॉस का क्या कहानी है। कहता है सर, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है, तो बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। इसके भी पांच आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो थीटा हो सकता है, ठीक है, थीटा हो सकता है, दूसरा 2 पाई माइनस थीटा हो सकता है, सर थीटा हो सकता है 2 पाई माइनस थीटा हो सकता है, तीसरा माइनस थीटा हो सकता है, और सबसे आखिरी नॉट माइनस थीटा, यहां पे पहले इसको ऐसे करो, थीटा माइनस 2 पाई कर दो, 2 पाई माइनस थीटा के बाद थीटा माइनस 2 पाई कर दो, और तब कर दो यहां माइनस थीटा। हम सीरियल वाइज बता रहे हैं आपको, इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना, समझ में आ रही बातें। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। तो ये हो सकता है ये और ये, और एक और आखिरी में हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि इतनी चीजें हो सकती है, ठीक। लेकिन अब कंडीशन क्या क्या है सर, तो थीटा कब होगा आपको पता है, प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई, ये कब होगा, एकदम सिंपल,
पाई से 2 पाई, ये कब होगा बच्चों 2 पाई से 3 पाई, और ये कब होने वाला है उल्टा आ जाओ माइनस पाई से 0, ये माइनस 2 पाई से माइनस पाई। तो याद रखना है कि जिस तरीके से साइन का वो सब वैल्यूज आते थे सेम एग्जैक्टली मेरे बच्चों उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा की भी वैल्यू थीटा आती है, नहीं तो 2 पाई माइनस थीटा आएगा, नहीं तो थीटा माइनस 2 पाई आएगा, ये भी नहीं तो माइनस थीटा आएगा, और अगर ये भी नहीं तो 2 पाई प्लस थीटा आएगा। लेकिन कब कब, तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई पे रुक जाएंगे, फिर आएंगे माइनस पाई से 0 एंड माइनस 2 पाई से माइनस पाई। क्लैरिटी है, समझ में आ रही है, याद रखना है इसको, मेमोराइज कर लेना है, क्वेश्चंस बनाओगे तो खुद ब खुद याद आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको रटो। पहली बार मैं आपको बता रहा हूं एक चीज जो रटने के लिए, मैं इसको प्रूफ बताऊंगा, चिंता मत करो, सबके प्रूफ हैं, ऐसा क्यों होता है ये सब एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा अभी के लिए मेरी बात को समझो और प्लीज प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इसको रट लो, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए सर, पॉज करके उतार लेना तुम लोग ये सब, है ना, मैं पॉज करने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूं, पॉज करके उतार लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ये है टैन इनवर्स, ये पहला प्रॉपर्टी ही है, ये सब फर्स्ट प्रॉपर्टी के पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, तो ये पहला ही प्रॉपर्टी चल रहा है, ऐसे ऐसे 12 प्रॉपर्टी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, टैन इनवर्स टैन थीटा, इसका क्या क्या हो सकता है सर, सबसे पहले तो थीटा होगा ही होगा, थीटा में तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर सर थीटा माइनस पाई होगा ही होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, उसके बाद सर थीटा माइनस टू पाई होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट आता है पाई प्लस थीटा, और सबसे आखिरी आता है टू पाई प्लस थीटा, टू पाई प्लस थीटा। अब ये कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, तो अगर मेरा, देखो यहां पे हम ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, मैंने कल भी आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बताया था बच्चों कि टैन इनवर्स में ये चीज क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, तो आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, ये कहां से कहां हो जाएगा, पाई बाई टू से लेके 3π/2, ये कहां से हो जाएगा 3π/2 से लेके 5π/2, ठीक है, उसके बाद ये -3π/2 से लेके -π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा -5π/2 से लेके -3π/2 तक। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है, अगर आप ये तीन बातें याद कर लेते हो तो अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन सेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, बहुत तगड़ी तरीके से कर पाओगे। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा हटता हूं बोर्ड पर से, इस तीनों को उतारो, और प्लीज इट्स अ वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, 10 मिनट वीडियो आगे मत देखो, पहले इस तीनों फॉर्मूला को अच्छे से मेमोराइज करो ताकि जब मैं क्वेश्चन दूं ना बच्चों तो तुम बना पाओ, है ना, प्रॉपर तरीके से बना पाओ, समझ रहे हो मेरी बात को, तो चलो देखते हैं क्या हो पाता है ना, डू इट फास्ट, पहले उतार लो। तो आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, और जो मैंने 10 मिनट के तुमको रिवीजन करने के लिए बोला आपने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस बड़े ही मजेदार होने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चंस बनाने में आपको बहुत मजा आएगा आज का, और अच्छा खासा क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, 10-15 क्वेश्चन से कम तो करेंगे नहीं, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं 10-15 क्वेश्चंस, है ना। आ जाओ, सबसे पहला जो बाबू क्वेश्चन आपको मिला, चलो आ जाओ एक एक करके बनाएंगे, है ना, वो है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 का आंसर क्या होगा, पहले पॉज करो फिर बताओ। तो जैसे ही तुमने पॉज करके बनाया होगा बहुत बच्चों को तो लग गया, अगर ये तो बन गया, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा में अगर ये थीटा -90 से 90 के बीच हो तो जो होता है वही आंसर हो जाता है। तो अगर ये देखो तो ये पाई बाई 3 है, यानी ये कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री -90 से 90 के बीच आता है, देखो तो अगर मैं यहां पे एक नंबर लाइन खींचूं और मैं यहां लिखूं -90 यहां लिखूं 90,
तो क्या 60 डिग्री इसके बीच में आएगा? यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बालक? पाई बाई थ्री। बिना किसी मेहनत के आपका पट से आंसर हो जाएगा पाई बाई थ्री। कुछ नहीं करना है। पहला क्वेश्चन एकदम इजी था। चलो अगर हम उसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन दें, बोले बच्चों साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर के बारे में क्या जानकारी है आपका, तो क्या बोलोगे? सर इसका भी आंसर पाई बाई फोर होगा। ये तो हम कल करके देखे हैं। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन हमने कल करके देखा है, लेकिन आज थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज लाते हैं, देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। चलिए बताइए मेरे को इसका आंसर क्या होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है आज का, साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसका आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से, फटाक से, एकदम पट से पॉज करो और पट से इसको बना के दिखा दो मेरे को बिना किसी देर के। चलो बच्चों बताओ 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 बताओ। सर जी ये है 2π/3, यानी ये हुआ आपका 120 डिग्री। सर 120 डिग्री तो 90 से ज्यादा है, लेकिन किससे कम है? 270 से कम। ओ यानी यहां आंसर होता है पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस 2π/3, यानी π/3। याद करो कल यही क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से कराया थे ना, तो बिना किसी चिंता के आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां से आओ स्टार्ट करें ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने आज का, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। चलो मेरे बच्चों इसको बना के दिखाओ, cos inverse cos 2π/3, do it fast। चलिए जिन लोगों ने बना लिया काफी अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं बनाया वो दिमाग में रखो कि ये तो सर 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तब तो ये 0 डिग्री से लेके 180 के बीच में है, तब तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 2π/3, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। समझ लो ऐसे यूज करते हैं अपने प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का यूज सिखा रहा हूं मैं आपको। अच्छा अगर उसी तरह मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं तो cos इनवर्स cos 7π/6, इसके बारे में आपका क्या हिसाब है? तो जब तुम 7π/6 को देखोगे तो ये आएगा 210 डिग्री। तुम कहोगे यार ये तो 180 से ज्यादा है, लेकिन क्या ये 360 से कम है? यस। तो इस कंडीशन में आप बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या होता है। सर आपने सिखाया है 2π/θ, यानी 5π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5π/6। बोलो मैंने ये चीज तुम लोग को सिखाया कि नहीं सिखाया? एकदम सिखाया सर, तो ये 5π/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि ये पाई से 2π के बीच है। किसके किसके बीच है? पाई से 2π। तो जब पाई से 2π के बीच में कोई एंगल आता है कॉस में, तो उसका आंसर कैसे लिखते हैं? 2π/θ लिखते हैं। तो मैंने 2π-7π/6 कर दिया, 2π-θ कर दिया। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, देखो कितना मजेदार है। ये है tan इनवर्स tan π/4। चलो बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होने वाला है बच्चों। भाई पट से हेडशॉट मिलेगा, यहां पे आंसर आएगा π/4। कोई दिक्कत? सिंपल, एकदम सिंपल, सोचना ही नहीं है। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, बना देना है सिंपल, कुछ नहीं सोचना है। सर इससे आसान तो कुछ दिख नहीं रहा हमें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पे क्या मिला? tan इनवर्स tan 3π/4। बालक इसका उत्तर बताएं। सर tan इनवर्स tan 3π/4 सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अच्छा देखो ये 3π/4 का मतलब कितना डिग्री? 135। सर ये तो 90 से ज्यादा है और 270 से कम है। ओ तो 90 से ज्यादा हो, 270 से कम हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन मैंने बताई है आप लोगों को tan में? जल्दी से बताओ जल्दी से। सर आपने बताया है थीटा माइनस पाई, यानी 3π/4 माइनस पाई। सो व्हाट विल बी योर आंसर? -π/4 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? जिन लोगों ने भी इसको बना लिया था काफी सुंदर बात है। हम लोग धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट, जल्दी करो। चलिए सर आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, बिना किसी हल्ला गुल्ला के आपने ये काम कर लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भाई हल्ला गुल्ला करोगे कैसे, वही चीज तो मिस कर रहा है, मतलब शोर शराबे।
ऊपर से बच्चों से पूछना कि तुमसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकल क्लासेस में ज़्यादा मज़ा देती हैं बट लाइव क्लासेस में नहीं दे रही हैं। बट ठीक है, क्या करें, अपनी भी मजबूरी है ना, सबकी मजबूरी अपनी मजबूरी है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सातवें नंबर क्वेश्चन पे देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री, भैया बताओ इसका आंसर बताओ। चलो इसका जो आंसर बनाएगा कमेंट करेगा, भैया कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये ले लो, दोनों को बनाओ और बना के कमेंट करो। मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, देखते हैं कौन लोग इसका आंसर बताते हैं। दोनों क्वेश्चंस को बनाओ और बना के बताओ, मैं इसका आंसर अभी नहीं दूंगा, वीडियो के बाद मैं लास्ट में डाल दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग के बाद इन दोनों का आंसर, ठीक है। बट पहले इसको तुम खुद से बना के देखो कि क्या होने वाला है, ठीक है, समझ गए बात को। चलो आओ अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस, थोड़ा अलग। जैसे एक तो देखो हम टाइप्स बता रहे हैं ना, जो प्रॉपर्टी देखो होगा क्या ना, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जो भी प्रॉपर्टी अपने लोग पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं हम वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करते चलेंगे। और इस तरीके से प्रॉपर्टी वन कंप्लीट होगा, फिर टू कंप्लीट होगा, फिर थ्री कंप्लीट होगा, और करते करते अपना कंप्लीट ITF भी कंप्लीट। देखो असल में क्या, कल मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर बोर्ड में ITF से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछो कि बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन ITF से कितना आता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पोर्शन है बोर्ड में वो 6 से 4 नंबर का है, 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इस ITF का 80% यूज आपके कैलकुलस में है, आपको डिफरेंशिएशन में ITF मिल जाएगा, आपको इंटीग्रेशन में ITF मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम मिनिमम में ITF मिल जाएगा, तो वो नहीं पढ़े रहोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। फिर तुम बना नहीं पाओगे कैलकुलस के क्वेश्चन, ना ही तुम इंटीग्रल कैलकुलस के बना पाओगे, ना ही तुम डिफरेंशियल के बना पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो बस ये मत सोचो कि हम 4 नंबर के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं हम तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं 4 नंबर के लिए, लेकिन ये मेहनत बेटा 4 नंबर का नहीं है, ये मेहनत असल में 30 नंबर तुमको गेन कराएगा। लेकिन प्लीज कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, है ना, वो जरूरी है। अगर आप कोई रूल बनाते हैं तो उस रूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन और परफेक्शन तभी आएगा आप में जब आप डिटरमाइंड रहोगे, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रखो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बनाता है, 8वां नंबर। ये तो आप नहीं है बना पाओगे, हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाहूंगा आपसे, इस क्वेश्चन को जब हम बनवाएंगे ना तो आपसे कुछ पूछेंगे, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी। और एक्स की जो कंडीशन है वो है एक्स तुम्हारा पाई से लेके, मतलब आई मीन माइनस पाई से पाई के बीच है। मेरे से बोला गया इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो सकता है अगर मेरा एक्स माइनस पाई से पाई है, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग शुरुआत यहां से करते हैं, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, बड़े आसानी से बताना मेरे बच्चों, हमने लिखा यहां पे टैन इनवर्स, ब्रैकेट दिया, रूट अंडर लगाया। क्या कोई ऐसा बालक है जो मुझे बता सके 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत तो कहां उठा होगा, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप हाथ उठा रहे हो, उठा लो यार, मतलब समझ लो कि अंतरात्मा हमारा कनेक्टेड है, मैं देख ले रहा हूं। क्या होगा? 2 sin² x / 2। बहुत प्रसन्नता हुई, अगर आपको ये याद था, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो भी होता है 2 cos² x / 2, है ना। ये दोनों फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला यहां और इसका फॉर्मूला यहां। अब आप देख रहे हो कि ये 2 और ये 2 टक 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 हो गया, यानी कट गया। अच्छा, यानी अपने को मिल गया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर के अंदर tan² x / 2। बोलो सच्चाई है, वास्तविकता है? यस सर, एकदम वास्तविकता है। अब मैं एक और छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, किनको किनको ये लगता है कि ये स्क्वायर से रूट कटेगा और हो जाएगा tan inverse tan x / 2। किनको किनको ये बात लगता है कि tan inverse tan x / 2 हो जाएगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं यस सर ऐसा होगा? प्लीज प्लीज अपना हाथ उठाइए, मतलब हाथ कैसे उठाओगे यार, यही तो तकलीफ है। चलो
जिनको भी ऐसा लगता है कि ये स्क्वायर से रूट कटेगा, आप बहुत ही ज्यादा गलत हैं, आप गलत हैं, सच्चाई है, ये नहीं होगा मेरे प्यारे बालक। मैंने बहुत बार आपको ये रूल बताया है कि रूट अंडर एक्स का स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ना कि सिर्फ एक्स, बताया है मैंने बहुत बार ये रूल। तो इस रूल को प्लीज मेरे बच्चों याद रखो, और यही चीज आपको देगा, यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, है ना, तो याद रखना है। तो इस रूल का अगर हम लोग प्रयोग करें मेरे बालक, ठीक है, तो ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन इनवर्स ब्रैकेट में मॉड टैन एक्स बाई टू, है ना, मॉड टैन एक्स बाई टू, ठीक है, ये आ गया। अब या तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा या तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो चलो आओ कंडीशन लेते हैं, केस वन, मेरा जो एक्स है वो माइनस पाई से पाई है, ठीक है। तो अगर हम एक्स बाई टू की बात करें तो मेरा एक्स बाई टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर। अच्छा अगर मैं यहां देखूं तो दिस वन इज योर माइनस पाई बाई टू एंड दिस वन इज योर पाई बाई टू, तो यहां से ये, यानी इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट आया और फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, यानी जब मेरा एक्स बाई टू माइनस पाई बाई टू से लेके जीरो तक जाएगा तो उस कंडीशन में टैन एक्स बाई टू जीरो से कम होगा, और इसीलिए मॉड ऑफ टैन एक्स बाई टू खुलेगा माइनस टैन एक्स बाई टू से। बोलो हम सत्य वचन दे रहे हैं कि गलत बातें बता रहे हैं? अरे भैया सत्य वचन है, बोलो यस सर नो। देखो शानदार क्वेश्चन भाई, शानदार क्वेश्चन। क्या किया सर मैंने, बड़े आराम से इसका फॉर्मूला पुट किया, ये चीज आया, उसके बाद मैंने मॉड लगा दिया। अब बच्चे सोचेंगे मॉड है, पॉजिटिव है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला अपने को, तो ये क्या घंटा फालतू का दिया हुआ है, ये का मतलब ऐसे शोभा बढ़ाने के लिए दिया हुआ है? नहीं भैया, शोभा बढ़ाने के लिए नहीं दिया है, इसका यूज है। क्या यूज है? अगर मेरी एक्स माइनस पाई से पाई है तो मेरी x बाई टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगी, होगी ना। और अगर ऐसा होगा तो माइनस पाई बाई टू से जीरो फोर्थ क्वाड्रेंट में काउंट होता है मेरे बालक, और जीरो से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होता है। जहां तक, जब तक मेरा एंगल, जब तक मेरा x बाई टू माइनस पाई बाई टू से जीरो है, उस कंडीशन में मेरा अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव आएगा तो मॉड कि डब्बा माइनस के साथ खुलेगा ना। तो केस वन में जब हम लोग देखेंगे, केस वन में, तो केस वन में हम ये डब्बा कैसे खोलेंगे, टैन इनवर्स माइनस टैन एक्स बाई टू, जिसको लिखा जा सकता है टैन इनवर्स टैन माइनस एक्स बाई टू। अब टैन इनवर्स टैन कट गया और माइनस एक्स बाई टू आंसर आ गया, पहला आंसर पहले केस में। लेकिन अगर हमने केस बदला, हमने केस में चेंजेस लाए, क्या केस में चेंजेस लाए, कहां लाऊं मैं केस में चेंजेस, पता नहीं यहां दिख रहा है कि नहीं तुम्हें। आई एम नॉट फेमिलियर विद द टूडेज फ्रेम, आज के फ्रेम से मैं फेमिलियर नहीं हूं, बट चलो ठीक है। केस टू दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी टिल्ट करके दिखा दूंगा। केस टू, अगर मेरा एक्स बाई टू जीरो, देखो देखो देखो, जीरो जीरो तक तो आए, जीरो से लेके पाई बाई टू जाएगा, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो भैया डब्बे के अंदर पॉजिटिव तो बाहर निकलेगा टेन एक्स बाई टू। तो उस कंडीशन में मेरा टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू। तो इसके दो दो आंसर आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दो आंसर, एक माइनस एक्स बाई टू और एक प्लस एक्स बाई टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पहले मैं हटता हूं, आप इसको उतारो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डू इट फास्ट बच्चों, प्लीज करिए जरा। चलो मेरे हिसाब से आप लोगों ने उतार लिया होगा, पॉज करके बस इसको उतार तो लेना था, सिंपल सा स्क्रीनशॉट लेना था और उतार लेना था, तो आप वो कर लिए होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं जरा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा, है ना। हाँ यही खेल है बच्चों, यही खेल है, इसी को खेलना है। अब पता है इसी को डिफरेंशिएट करने को दे देगा तुम्हें, जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना, डिफरेंशिएशन, तो वाई बराबर लिख देगा, बोलेगा डिफरेंशिएट करो।
अब सोचो किसी को इनवर्स नहीं आता है तो उतना नौटंकी उतना बड़ा डिफरेंशिएशन करेगा? नहीं करेगा। जिसको पता है पट से माइनस एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन कर देगा, उसको आंसर मिल जाएगा। नहीं, तो ये फायदा है आईटीएफ पढ़ने का। नेक्स्ट आते हैं, चलिए आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन था यार, चलो हटाओ, आठवां डाल देते हैं। ठीक है, आ जाओ। टैन इनवर्स, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स, और कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो मेरा एक्स है वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में है। अब आपको बताना है कि भैया इसका आंसर क्या आने वाला है, ये सिंप्लीफाई करके आप क्या ला सकते हो। चलो दो मिनट दिमाग लगाओ, कोशिश करो, उसके बाद हम आपको बताएंगे। डू इट फास्ट। चलिए भैया, हो गया क्या? वेरी गुड। जिन लोगों ने बना लिया प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने बना लिया है ना, और जिन्होंने नहीं बनाया वो यहां ध्यान दो। देखो बच्चों कैसे क्या करेंगे, आ जाओ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सर जी सबसे पहले तो टैन इनवर्स, इस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। और इस 1 प्लस साइन एक्स को लिखा जा सकता है, 1 को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। बोलो मेरे बालक, लिख सकते हो? अब देखो इसी दिन के लिए 11th क्लास में हमने जबरदस्त बजा बजा के तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस करवाया था, यही दिन के लिए। अब तुम बताओ, अभी एक चैप्टर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट खत्म हुआ है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री खाली है, वो तुमको ज्यादा नहीं दिखा होगा, लेकिन जैसा ही सेकेंड चैप्टर पे हम लोग आए अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, आपको ट्रिग्नोमेट्री ही दिख रहा है। इसके बाद जितने चैप्टर्स पढ़ोगे सब में दिखेगा, सब में दिखेगा। अब बताओ इसमें इसको बदलना है तो इसमें बेचारे इस इनवर्स की क्या गलती है? इनवर्स तो चुपचाप मुंह ताक रहा है, इनवर्स तो एक के को प्रॉपर्टी है उसका, उसी को लेके काम करना है। यहां देख लो, तो ये किसी को नहीं पता है तो भैया बहुत मुश्किल है। 11th में प्रैक्टिस इसीलिए कराया गया था, 11th इज नॉट फर्स्ट ईयर, इज नॉट द रेस्ट ईयर जो आप रेस्ट करते हैं। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज 11th पे जी जान लगा के काम करना स्टार्ट करो। अब क्या करोगे, अब बस फॉर्मूला रट लो, वही बहुत है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, अभी भी काम बन सकता है अगर फॉर्मूला रटो तो। बताओ इसको लिखा जा सकता है मेरे बालक कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। फिर क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। देखो हमने क्या किया, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी पे तोड़ दिया। अच्छा ये देखो ए बी टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, यानी ये हो गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से बंद कर दो मेरे बच्चों, ये और ये आपस में क्या हो गया, कट जाएंगे, बिकॉज एक ऊपर है एक नीचे है। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा टैन इनवर्स, फिर क्या बचा बताओ, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, उसके बाद कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अभी भी ब्रैकेट बंद है। अब जो होशियार बच्चे हैं उनको इसके बाद का स्टेप पता है, क्या करेंगे, ऑन Dividing numerator and denominator by cos x by 2। ऊपर और नीचे दोनों ही जगह cos x by 2 से मेरे बच्चों डिवाइड मार दो। जब आप ऐसा करोगे देखो कितना मजेदार चीज आपको दिखेगा, tan inverse, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ठीक है, 1 माइनस tan x by 2 और फिर हो जाएगा 1 प्लस, थोड़ा मतलब जगह कम है इसीलिए डायरेक्ट कर रहा हूं ठीक है, हो गया ये चीज। अब क्या करोगे, अब अपना स्टेप कुछ ऐसा, tan inverse tan pi by 4 minus tan x by 2 divided by 1 plus tan pi by 4 into tan x by 2। अच्छा मेरे बालक, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, tan inverse tan pi by 4 minus x by 2 आ गया ठीक है। अब तुमको पता है tan inverse tan फलनवा क्या होता है,
फलनवा होता है? नहीं नहीं नहीं, फलनवा तभी होता है जब फलनवा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच लाई करे। तो आपको चेक करना होगा ना कि क्या पता ये वाला लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है ना। तो जब चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? अच्छा एक काम करो, पहले इतना उतारो फिर इस वाले पोर्शन को मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो डू इट फास्ट, पहले इतना उतार लो मेरे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया है, आपने उतार लिया। आइए अब थोड़ा सा आगे बताएं, देखो क्या करना था। जैसे यहां तक तुम आए ना, अब देखो आप जब यहां तक आप आ गए तो आपको क्या मिला है एग्जैक्टली? देखो क्या मिला है, आपको मिला है tan इनवर्स tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब अगर तुम इसको थीटा मानो, थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा तब ना होता है जब थीटा मेरा लाई करे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच। तो यहां कह रहा है कि जो आपका x है, क्वेश्चन क्या दे रहा है, जो आपका x है वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक है, और हमको तो इसके बारे में पता लगाना है। मेरे को जो दिया है वो x के बारे में दिया है, बट मेरे को पता इसके बारे में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसमें बदलेंगे। कैसे? तो देखो सबसे पहले काम कि भैया दो से डिवाइड कर दो, तो ये माइनस पाई बाई फोर, ये x बाई टू, और ये भी पाई बाई फोर, ठीक है? अब माइनस का साइन लगा दो तीनों तरफ, तो यहां पाई बाई फोर साइन बदल गया, माइनस एक्स बाई टू साइन बदल गया माइनस पाई बाई फोर, और अब पाई बाई फोर एड कर दो तो ये हो जाएगा पाई बाई टू से कम, अच्छा पाई बाई टू से कम, और यहां क्या हो जाएगा पाई बाई फोर एड करोगे तो जीरो। ओ तो देखो तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए, इसको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए, और ये तो जीरो से पाई बाई टू है, यानी सही है। हमको चाहिए माइनस नब्बे से नब्बे के बीच, आ कोई चीज अगर जीरो से नब्बे के बीच में है तो माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में नहीं है, है? यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, और इसी चीज को करके दिखाने के लिए ये आपको दिया जाता है। अगर आप ये लिख के दिखाते हो ना तब आपका मार्क्स नहीं कटेगा आईटीएफ में, अदरवाइज कट जाता है, ठीक है? समझो बात को, तो आधा नंबर कट जाएगा इस चीज पे। तो आपको दिखाना है कि क्वेश्चन में दिया है x यहां से यहां, तो x बाई टू यहां से यहां, तो माइनस एक्स बाई टू यहां से यहां, तो पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू यहां से यहां। अच्छा जो फलनवा है ये वाला फलनवा, यहां पे भी वही फलनवा है, ये फलनवा 90 से छोटा है जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा 90 से छोटा, मतलब इसके बीच में है, और अगर है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। और अगर यही चीज बीच में नहीं होता तो जिस एंगल के बीच में होता वो वाला फॉर्मूला लगा के आंसर लिखते, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है, इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? डू इट फास्ट। चलिए हो गया होगा, है ना? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आते हैं, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक काम करो ना, यहां देखो नाइन्थ नंबर, बड़ा मतलब बोर्ड का प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। ऐसे tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, और कंडीशन इसका बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, और कंडीशन दिया हुआ है जो आपका x है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर के बीच में है। चलिए करके दिखाइए मेरे को क्या आता है आपका आंसर, डू इट फास्ट, जल्दी करो। जिन बच्चों ने कर लिया प्लीज कमेंट करो, कमेंट करके बताओ यस सर नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है? ऐसे करके बताओ, है ना? चलो आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। सर जी ये भी एकदम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो मैंने किया था। अरे ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा वन माइनस टेन एक्स, और यहां मिलेगा वन प्लस टेन एक्स, और आप जानते हैं कि वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स को टेन
पाई बाई फोर माइनस एक्स लिखा जा सकता है। अब इसका आंसर पाई बाई फोर माइनस एक्स तभी होगा जब ये अपने प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा। तो चेक करते हैं ये कहां लाई करता है। तो पता चला कि जो एक्स है वो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर है। ये कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में गिवन था, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। तो अगर ऐसा है मेरे बच्चों तो मेरे को तो माइनस एक्स चाहिए। तो जैसे ही माइनस लगाएंगे ये पाई बाई फोर, ये माइनस और ये भी पाई बाई फोर लेकिन माइनस में। और फिर किसको ऐड करना है पाई बाई फोर को? तो ये हो जाएगा पाई बाई टू से छोटा, वेरी गुड, और जीरो से। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? पाई बाई फोर माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये वाली चीज जो यहां है ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है। और अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है तो ये टैन इनवर्स और टैन आराम से कटेगा और जो है वही आंसर वापस आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छा। जिन्होंने बनाया था वेल डन, जिन्होंने नहीं बनाया इसको उतारो, और ये चेकिंग प्रोसेस जरूरी है। ठीक है, चलिए। डन है, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, तुम लोगों ने 4.6 तक सारे क्वेश्चंस बना लिए? अगर सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं और आपको अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे को वो डाउट भेजो, मैं उस पर अलग से वीडियो, जैसे कल के वीडियो में उसके क्वेश्चंस करा दूंगा। इससे क्या होगा, आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आइए 9th नंबर के बाद अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन? बड़ा मजेदार है सर, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है टैन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, उसके बाद है प्लस में रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, अगेन नीचे जाओगे तो मिलेगा तुमको 1 प्लस कॉस एक्स, और अगर आप माइनस में जाइएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। इसको ले लो। अच्छा, x के बारे में कहानी क्या दे रखा है कि x 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। चलो, जो बच्चा इसको बना के दिखाएगा प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएगा। 3 मिनट पॉज करके बनाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो डू इट फास्ट, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी करो। चलिए, जिन बच्चों ने बना लिया वेरी गुड, वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बस उसी तरह से करते रहो, आगे बढ़ते रहोगे। जिन्होंने नहीं बनाया प्लीज फोकस करो और रिवीजन पे ध्यान दो, बिकॉज पीछे की चीजें आपकी कमजोर है, दैट्स व्हाई अब से नहीं बन रही है, है ना। तो आ जाओ देखा जाए। सरकार सर, बड़ा ही अच्छा बात है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो फॉर्मूला है सर, टैन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसी तरह 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। फिर नीचे बताओ, नीचे वैसे ही रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, आप इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखोगे, टैन इनवर्स 2 तो रहेगा, मॉड में कॉस एक्स बाई 2, ये असल में रूट 2 रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे भी रूट 2 और मॉड में साइन एक्स बाई 2, क्योंकि अभी हमने मॉड हटाना है। फिर नीचे बताओ रूट 2, फिर मॉड में कॉस एक्स बाई 2, फिर माइनस रूट 2, फिर मॉड में साइन एक्स बाई 2। बोलो क्लैरिटी है? अब ऊपर नीचे रूट 2 को निकाल लो भैया, और रूट 2 को क्या करोगे, काट दोगे। जब काटोगे क्या मिलेगा, रूट प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, उसके बाद अगेन प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस फिर क्या, मॉड में साइन एक्स बाई 2। आ गया क्या, कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं ना, हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अब अगर आपका x 0 से पाई बाई 2 है, लिखो यहां इफ x इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो मेरा x बाई 2 0 से पाई बाई 4 होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो ये तो फिर वही वाला क्वेश्चन हो गया मेरे गुरुजी, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 बटा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, जो मैंने अभी अभी तुम लोगों को पीछे दिया था। तो बताओ भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बदलेगा टैन इनवर्स
टेन, यहाँ प्लस है ना, तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब देखो इसके बाद मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, आपको पता है क्या करना है, पहला स्टेप ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे, जो वन रहेगा उस वन को टेन पाई बाई फोर से रिप्लेस करोगे, ये फॉर्मूला मिलेगा एंड इस फॉर्मूले से ये आंसर आ जाएगा। जिसने भी बनाया था वेल डन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उतार लो पहले इसको, है ना, उतार लो पॉज करके। चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है यही क्वेश्चन है आपका, बट कॉट में है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉट इनवर्स, ठीक है। कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर वन प्लस साइन एक्स, उसके बाद है रूट प्लस में रूट अंडर वन माइनस साइन एक्स, देन अगेन डिवीजन का साइन, एंड देन फिर से क्या है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स है, इसको ऐसे बंद कर दो। और एक्स की जो कहानी है वो एक्स है तुम्हारा जीरो से पाई बाई टू। चलो बताओ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, डू इट फास्ट, ऐसे मैंने तुमको करना सिखाया है उस हिसाब से करो और बताओ कि इसका सिंपलेस्ट आंसर क्या आने वाला है। दो मिनट तीन मिनट का टाइम लो और करके दिखाओ, डू इट फास्ट। चलो मैं तुमको ये होमवर्क देता हूं, इसका आंसर आना चाहिए x बाई टू, ये खुद से करके देखना, नहीं आएगा मेरे को भेजना, मैं फिर इसको समझा दूंगा, बट हाँ ये कर सकते हो तुम लोग, है ना। वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला भी पता है आपको, वन माइनस साइन एक्स का भी फॉर्मूला पता है, करो और करके बताओ क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक, देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं। ये चीज मेरे को कल फिर मैं बताऊंगा भाई, जिसका एक बच्चे का भी अगर नहीं बनेगा ना तो प्लीज मेरे को मैसेज करना, टेक्स्ट करना कि सर ये नहीं बना, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप फिर से बताओ, मैं इसको कल बताऊंगा पक्का, है ना। अभी रहने देते हैं, अभी इसको काम करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और अलग टाइप का, जैसे नॉर्मल एंगल दिया हुआ हो और तब उसको प्रॉपर्टी वन यूज करने को बोले आप कर सकते हैं, इस तरीके से सिंप्लीफाई करने को दिया हो आप उसको भी कर सकते हैं। अब क्या होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको अपने से कुछ एज्यूम करना होता है, जैसे समझना मेरी बात को, अगर आपको कहीं पे भी, समझना मेरी बात को एकदम ध्यान से, अगर आपको कहीं पे भी नीचे लिखे एक्सप्रेशन दिख गया, यानी मान लो कहीं पे तुम क्वेश्चन बना रहे हो और तुमको कहीं दिख जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे आप चाहिएगा तो आप एक्स को ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा एज्यूम कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एजम्पशन, ये आप एज्यूम कर सकते हो। अगर आप एक्स को ये एज्यूम करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। अभी कैसे ज्यादा आसान होगा मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर ये लिखा हुआ हो तो एक्स को ये यूज कर लो, अगर तुमको दिखता है कहीं पे भी लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिखता है, तो आप आराम से एक्स को या तो ए साइन थीटा यूज कर लो या ए कॉस थीटा यूज कर लो, दोनों में से कोई यूज करोगे तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा। ये मैथ्स का एक फंडा है ना, जिससे सिंप्लीफिकेशन इजी होता है। तीसरा, अगर आपको कहीं दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब भैया आप उस जगह पे एक्स को या तो ए सेक थीटा यूज कर लो या फिर ए कॉसेक थीटा यूज करो, दोनों में से कोई एक यूज करो, आपकी सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी, है ना। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, अगर आपको दिखता है रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स या फिर रूट अंडर एक्स माइनस ए या एक्स प्लस ए, तो दोनों ही सूरत में आप ए को यूज कर सकते हो कॉस टू थीटा। क्या यूज कर सकते हो, कॉस टू थीटा, असल में सिर्फ कॉस टू थीटा नहीं, आप एक्स को लिख सकते हो ए कॉस टू थीटा, ठीक है। अच्छा एक और बड़ा मजेदार सा है, इसको भी देख लो, अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो ए स्क्वायर कॉस टू थीटा।
और ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं है, ये पूरे मैथ्स में कहीं पे भी ऐसा हो और आपको ऐसे एज्यूम करना है, आप एज्यूम करके बनाओगे, आपका आंसर आसानी से आएगा, आसानी से सिंप्लीफाई कर पाओगे। ये पूरे मैथ्स के लिए है, डिफरेंशिएशन में भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा, हर जगह ये आएगा जहां जहां आपने मैथ्स लगाना है, ठीक है। तो इसको बड़े आराम से उतार लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे यूज करना है, ठीक है। चलो डू इट फास्ट। सारे के सारे क्वेश्चन अभी प्रॉपर्टी वन पे है मेरे बच्चों, सबके सब प्रॉपर्टी वन पे सिखाए जा रहे हैं। सोचो कितना मेहनत करना है चार नंबर के लिए। ना, गलत फहमी में नहीं डालो सर, चार नंबर के लिए मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो करना है हमें तीस नंबर के लिए, है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, अभी इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन क्या है, बारह नंबर क्वेश्चन ले लो। क्या है, टैन इनवर्स लिखा हुआ है एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ भाई इसका आंसर क्या आने वाला है। आप तीन मिनट लगाइए समय और तीन मिनट में इसका आंसर मेरे को बताइए, देखिए क्या आता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। ये बच्चों तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि कितने बच्चों ने बना लिया, जितने ने बनाया कमेंट करके बताओ सर बारह नंबर बन गया, ठीक। तो सर जो आपने ट्रिक बताया है या जो आपने तरीका बताया उस हिसाब से x के जगह पे हम लोग रखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a साइन थीटा, मन करे तो तुम cos भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, cos से भी बनेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो क्या रखोगे x को, a साइन थीटा। जब x को a साइन थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम, एकदम नहीं है सर। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद कुछ नहीं करना, क्या है हमारा ये टैन इनवर्स ऐसा ही रहेगा ए साइन थीटा ऊपर और नीचे, देखो ए अगर हम यहां से कॉमन निकालें तो ए कॉस थीटा आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से रूट हटा। चलो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट ही कर देता हूं, पता नहीं तुम यहां पे पूछ भी नहीं पाओगे ना। तो ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है। अब इसके बाद क्या करोगे मेरे बालक, टैन इनवर्स ए साइन थीटा बटा ए बाहर निकला हुआ है क्या हो जाएगा कॉस थीटा, टक टक कटा, बताओ क्या हो गया, टैन इनवर्स tan थीटा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, थीटा आंसर क्या जाएगा, थीटा थीटा आंसर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने x को a sin थीटा माना है तो x by a आपका sin थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं थीटा पूछूं तो थीटा का आंसर क्या आएगा, sin इनवर्स x by a। तो इस थीटा की जगह क्या लिख दोगे, sin इनवर्स x by a, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखा जा सकता है। आगे की बात समझ में, बस ऐसे ही करते रहना है। चलो बना के दिखाओ मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लो पहले और फिर 13 नंबर में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करके दिखाओ, ओके। चलो पहले उतार लो। जिन लोगों ने भी बनाया था वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा किया था आपने, जो जो फाइनल आंसर तक आया था बहुत सुंदर। ऐसे ही रिवीजन, देखो मेन है ना रिवीजन, जितना अच्छा से रिवाइज करोगे उतना मजा आएगा, उतने अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी, है ना, उतना अच्छे से आपको चीजें याद रहेंगी। चलो जैसे ये क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को, 13 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को, साइन इनवर्स एक्स बटा, है ना, एक्स बटा क्या है बताओ बताओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। चलो ये करके दिखाओ, बताओ मेरा इसका आंसर क्या आता है। डू इट फास्ट, जितना जल्दी कर सकते हो करो, तीन मिनट पॉज करिए और उसके बाद तब तीन मिनट कोशिश करिए एंड देन तब बता के दिखाइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी करो। बहुत सुंदर, जिन बच्चों ने भी कर लिया वेल डन, काफी अच्छा है। देखो क्या करना था सर, यहाँ पे सर आपके बताए हुए नियम के अनुसार सर हम x को मान लेते हैं a tan थीटा, हमने बोला चलो जैसे ही सर हम x को a tan थीटा मानेंगे, साइन इनवर्स x के जगह रख देंगे a tan थीटा, नीचे हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अब पहले से प्लस ए स्क्वायर है, इसको कर देंगे बंद। बोलो आ रही है ना बातें समझ में, एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं, नहीं। अच्छा बताओ फिर क्या करेंगे सर, साइन इनवर्स सर ऊपर वाला ए tan थीटा वैसा ही रहेगा,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लोगे मेरे बच्चों, ए स्क्वायर, तो क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन का रूट अंडर बचा। बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद क्या करिएगा, साइन इनवर्स, ऊपर तो लिखा हुआ है ए टेन थीटा और यहां ए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ए। अच्छा बताओ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो बाहर निकल के हो गया सेक थीटा, ये ए ए क्या हो गया कट गया, आया क्या साइन इनवर्स। साइन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस और सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाई कॉस। बताओ ये दोनों आपस में कट गए, जैसे ही ये दोनों कटा हमारे पास क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स साइन थीटा, जिसका आंसर क्या होगा थीटा। अगर कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट थीटा, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो थीटा थोड़ी लिखेंगे, यहां से बदलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो मेरा एक्स बाई ए क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इसके जगह मेरा आंसर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। बन गया 13 नंबर क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरे बातों को, चलो वेरी गुड वेल डन। तो आज के लिए इतना ही, दो क्वेश्चन हम आपको और एज अ होमवर्क दे रहे हैं और आपको वो करना है ठीक। अच्छा एक और चीज हम आपको इंपॉर्टेंट बता दें बच्चों, आप इसके बाद एक्सरसाइज 4.7 जो है उस 4.7 के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो ठीक है। तो आप पहले ये लिखो 14 नंबर और 15 नंबर जो क्वेश्चन है, जो होमवर्क मैं दे रहा हूं उसको पहले लिखो। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, टेन इनवर्स रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, है ना, इसको प्रूफ करके दिखाना है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होगा, पहली चीज ठीक। दूसरी चीज आप ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन लिखो, क्या है कॉस इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आपको प्रूफ करके दिखाना है टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखो जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.7 में है, 6 तक तो आपने कर लिया, 4.7 में जितने भी क्वेश्चन है जो साइन से रिलेटेड है, कॉस से रिलेटेड है और टैन से रिलेटेड है, उसको आपको आज बना जाना है, आज उसको बना लो। जो फंसता है मेरे को शाम को व्हाट्सएप करो, मैसेज टेक्स्ट करो, फोन कर लो ठीक है, बट मेरे को बता दो। अगर एक ही क्वेश्चन ज्यादा बच्चों को फंसा होगा तो कल उसको क्लास में करवा देंगे, है ना, एज अ डाउट क्लास की तरह। और अगर आपका इंडिविजुअल कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा तो उसको वहां पे क्लियर कर देंगे ठीक। अच्छा समझ गया मेरी बातों को, कोई दिक्कत इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ठीक। तो आज का क्लास बस यही खत्म करते हैं, बाकी कल देखा जाएगा कल के क्लास में। कल 3 और बचा है मेरे पास, सेक कॉसेक और कॉट, उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे, तब मेरी प्रॉपर्टी 1 खत्म होगी। तो चिंता नहीं करो, मस्त तरीके से पढ़ो, आराम से पढ़ो, बिना किसी दिक्कत के, घर में रहो, खुश रहो, अपने पूरे फैमिली को खुश रखो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।